गाइस फाइनली मैं पहुंच गया हूं दुबई। नींद काफ़ी जोड़ों से आ रही है भाई, भाई 2 घंटे सोया सिर्फ 1 लाख के। बाकी अब जा रहा हूं इमिग्रेशन के लिए। इमिग्रेशन हो गया, सब कुछ हो गया, अराउंड समय हो रहा है, पता नहीं मेरा टाइम तक चेंज नहीं है क्योंकि मेरे पास इंटरनेट नहीं है। सुप्रभात गाइस, वापस से एक नए ब्लॉग में आपका स्वागत करता हूँ। वेल अभी मैं बोर्ड कर रहा हूँ फिलहाल अपनी प्लेन, और चलो आज इस जर्नी को देखते हैं। तो भाई हालांकि मैं गया हूँ, इस बार दुबई में रहने वाला हूँ भी नहीं, बट या जैसे ट्रांजिट यूज़ कर रहा हूँ दुबई को मैं, तो टू बी ऑनेस्ट मैंने दुबई का वीज़ा जानबूझ के लिया था, मुझे लगा था इस बैगेज के कारण में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, जिस तरह मुझे तुर्की में फील हुआ था, लाइक जब मैं अज़रबैजान से तुर्की जा रहा था तो उस समय भी मुझे सारा सामान फेंकने को कहा गया, तो मुझे लगा यहाँ भी ये हो सकता है, लेकिन मैं दुबई का वीज़ा ले लूँ, तो मैंने ले लिया दुबई का वीज़ा। हालांकि आपको दुबई का वीज़ा का लेना है तो आप ट्रांजिट वीज़ा ले लेना, मैंने टूरिस्ट वीज़ा लिया था, उसका रीज़न बताता हूँ क्यों, कहीं शायद दुबई में चल के ही बताता हूँ अब, कि प्लेन पे उतनी अच्छी आवाज़ आएगी नहीं, यू नो। तो या फिलहाल यही है मेरा उसकी पासपोर्ट। भाई साहब वापस से ट्रैवल के मूड में, तो फटाफट चलता है। जिस एयरलाइन से मैं जा रहा हूँ वो दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट एयरलाइन में मानी जाती है, ये मेरा कहना नहीं है, काफ़ी लोग कहते हैं और काफ़ी सारी वेबसाइट इनको बोलती भी हैं। फिलहाल मैं हूँ अभी इमिरेट्स में और मैं फ़्लाइट कर रहा हूँ दिल्ली से दुबई। ये फ़्लाइट मैंने अराउंड 14 घंटे पहले बुक की थी और मुझे इसकी कीमत पड़ी थी 8500 रुपये, मुझे कुछ कैशबैक वगैरह मिला था तो कुछ सस्ता पड़ गया था। या सो ये है अभी भाई साहब कुछ लाइक सुनने के लिए, हालांकि मेरे पास मेरा फ़ोन है और मेरे फ़ोन में काफ़ी सारी मूवीज़ हैं तो मैं अपने फ़ोन में ही मूवीज़ देखूँगा। सही है ईयर क्योंकि जो मेरा ये ईयरफोन है काफ़ी काम का है भाई अभी, क्योंकि ये जो नॉइस कैंसिलेशन काफ़ी शानदार करता है, मुझे कुछ सुनाई नहीं पड़ता। उन्होंने मुझे एक ये ट्रैवल हाइजीन किट दिया है, जैसे कि इसमें मास्क हैं, ग्लव्स हैं, सैनिटाइजर है और हैंड सैनिटाइजिंग एंटीसेप्टिक वाइप्स जो और यहाँ पे जो अनाउंसमेंट होती है 2 लैंग्वेज में होती है, हिंदी इंग्लिश और अरबिक 3 लैंग्वेज में होती है। तो गाइस हमारा खाना आ चुका है, ये है खाने में और साथ में ये मैप भी देख रहा हूँ, खाना खा के बताता हूँ खाना कैसा रहा नहीं रहा। फाइनली मैं पहुंच गया हूं दुबई। नींद काफ़ी जोड़ों से आ रही है भाई, सही 2 घंटे सोया सिर्फ 1 लाख के। बाकी अब जा रहा हूं इमिग्रेशन के लिए, बाकी आपको सारी बातें बाहर जाके बताता हूं कैसा रहा फ्लाइट का एक्सपीरियंस वगैरह। फ्लाइट में मैं सो ही रहा था, उसके अलावा कुछ कर ही नहीं रहा था। वेल गुड मॉर्निंग, एयरक्राफ्ट से बाहर आने के बाद थोड़ा टॉयलेट गया और अब अच्छा फील कर रहा हूँ, काफ़ी नींद आ रही थी यार। एक्चुअली हुआ था क्या कि आज की रात, मतलब जो रात मैं अभी सफ़र कर रहा था वो रात सही से सो नहीं पाया, उसकी पिछली वाली रात भी मैं सफ़र कर रहा था, मैं बिहार से दिल्ली आ रहा था, तो 2 दिनों से मैं रात को सफ़र कर रहा हूँ, दिन को भी सोया नहीं, तो थोड़ा नींद आना लाजमी है, तो वही हो रहा है। वेल अभी जस्ट टाइम में पहुँचा हूँ दुबई का इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मैं यहाँ पे आ चुका हूँ तो मुझे थोड़ा मोरा आइडिया है कि अभी होना क्या है। मैं आई थिंक 20 दिन पहले मैं दुबई से ही गया था यहाँ से, और हाँ 20 दिन पहले निकला था, तो मुझे पता है कि करते कैसे हैं। फिलहाल जो मुझे पता है यहाँ से जाना पड़ेगा, सबसे पहले होगा कोविड टेस्ट, और कोविड टेस्ट करवाने के बाद ही कुछ होगा।
वेल चलो बात करते हैं अपनी एयरलाइन के बारे में। जिस एयरलाइन से मैं आया, इमिरेट्स थी, वन ऑफ द बेस्ट एयरलाइन है वर्ल्ड में कहलाती है। अच्छी एयरलाइन थी, खाना पीना उन्होंने अच्छा दिया था और फैसिलिटीज अच्छी थी और पैसे सही थे। मतलब मैंने कहा कि मैंने 8500 रुपये पे किए थे इसके लिए, हाँ समथिंग लाइक 8500 14 आवर बिफोर द डिपार्चर टाइम। 14 घंटे पहले मैंने फ़्लाइट बुक की थी। और आप कोई भी नॉर्मल एयरलाइन बुक करते हो, जैसे कि इंडिगो हो गया, गो एयर हो गया, या तो फिर स्पाइस जेट हो गया, आपको देने पड़ ही जाएंगे अराउंड 6-7 हज़ार रुपये। 7 हज़ार रुपये से तो कम होगा नहीं, तो 2500 रुपये, सॉरी 1500 रुपये ज़्यादा था, 1500 रुपये ज़्यादा था। वर्थ था, ज़्यादा लेग स्पेस था, कंफर्टेबल सीट्स थी। चलो सबसे अच्छी बात थी, बड़ी परी नहीं थी, बेकर एयरक्राफ्ट थी, तो मैं सो के आया। 3 सीट का पैसा जोड़ो तो काफ़ी सस्ता पड़ा मेरे लिए, वो आपको डिपेंड करता है। जनरली वो एक्चुअली क्या थी कि सीट खाली पड़ी हुई थी, उन्होंने मतलब सिम मिलेगा, लास्ट में मिलेगा, दुबई जा रहा है, तो उन्होंने 12 घंटे पहले कुछ सेल निकाली की फटाफट टिकट बेचने के लिए। उन्होंने टिकट के पैसे थोड़े कम किए थे इसलिए मुझे सस्ती टिकट मिल गई, वरना 10-11 हज़ार रुपये की टिकट जनरली आती है। चलो ये है, चलते हैं अभी, मुझे जिससे जाना है सबसे पहले। मैं साइन पढ़ते जा रहा हूँ, आप वहाँ पर साइन लिखा रहता है, आप पढ़ते जाओ, कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे पहले जो अभी होना है वो कोविड टेस्ट होगा। कोविड टेस्ट करवाने के बाद इमिग्रेशन के बाद वेलकम टू दुबई, दुबई की तरफ जाऊँगा। अभी मेट्रो यूज़ करूँगा, चल रहा होगा तो, वरना टैक्सी ही लेना पड़ेगा। जब लाइन में लग के यहाँ पर आया तो एक वापस एक लंबी लाइन लगी हुई है भाई, काफ़ी लंबी लाइन है। आई थिंक कोविड टेस्ट वाला ही लाइन है ये, इतना मुझे लग रहा है। पिछली बार जो आया था वो समय काफ़ी फास्ट हो गया था। आई थिंक अभी कुछ ज़्यादा ही पैसेंजर आए हुए हैं तो थोड़ा टाइम लगेगा इस बार, हो सके तो। तो ये है लाइन भाई, लोग बड़े पड़े हुए हैं मेरे पीछे, भाई साहब रशियन है, मैं समझ पा रहा हूँ जो बोल रहे हैं वो। थोड़ी मोड़ी आती है मुझे रशियन। इसके बाद यहाँ से इराक के बाद मुझे वहीं जाना है, यूक्रेन ही जाना है घूमने के लिए, देखता हूँ कैसा रहता है। लगभग आधे घंटे से लाइन पे खड़ा हूँ कोविड टेस्ट के लाइन। पिछली बार जब आया था तो ये लाइन काफ़ी छोटी थी, बहुत जल्दी काम हो गया था, इस बार काफ़ी टाइम लग गए। अभी टाइम हो रहा है 7:55, यहाँ पर मैं 7:25 पे आ गया था, मतलब आधे घंटे से खड़ा हूँ। और यहाँ से मैं उधर से चलते यहाँ पर आया हूँ। जिस तरह बोर्डिंग टाइम हुआ था ना, वही हाल है अभी भी। बोर्डिंग में भी मुझे लग गए थे अराउंड 45 मिनट के आसपास, तो लेट फ्लाइट रिपोर्ट करने का घाटा एक ये हो रहा है कि लाइन लंबी हो जाती है, क्योंकि जो लोग पहले निकलते हैं वो लाइन में आके पैदल लग जाते हैं। सही है, कल यहाँ पे हो रहा है कोविड टेस्ट नहीं, एक्चुअली यहाँ पे आपको वो मिलता है कोविड टेस्ट, उधर किधर होता है, मैंने पिछली बार करवाया था तो वही याद है। जब आप उस लाइन में लगते हो तो आपको आपसे बोर्डिंग पास आपका पासपोर्ट मांगा जाएगा और आपका PCR देखा जाएगा। वो सब क्लियर होने के बाद आपको एक किट मिलेगा, उस किट को लेके जाना है सामने वाले काउंटर के पास और वहाँ पे आपका कोविड टेस्ट होगा। यहाँ से लाइन लग के इधर जाना है, तो मैं चल रहा हूँ अभी फ़िलहाल उसी तरफ। ये कोविड टेस्ट सेंटर है। सही था यार, काफ़ी जल्दी कर दिया। ओके, कैन आई टेक माय पासपोर्ट, थैंक यू वेरी मच। भाई साहब नाक में कुछ ज़्यादा ही घुसा दिया भाई बहन जी ने यार। कोविड वाली सारी क्राइटेरिया पूरा करने में मुझे ऑलमोस्ट 1 घंटे लग गया और मैं उसके बाद बाहर आया हूँ। अभी इमिग्रेशन हुआ नहीं है, इमिग्रेशन होना है उसके बाद। आई डोंट थिंक सिक्योरिटी वगैरह यहाँ पे होगी, मुझे नहीं पता, मैं भूल गया, पिछली बार आया था लेकिन भूल गया। अब जाता हूँ डायरेक्टली इमिग्रेशन में, आई थिंक हाँ इमिग्रेशन डायरेक्टली अभी है और वहीं से आपसे बात करता हूँ। इमिग्रेशन क्लियर करने के बाद काफ़ी फास्ट यहाँ का इमिग्रेशन रहता है, इस तरह मेरा लास्ट एक्सपीरियंस था, आपको ये एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगा एक बार मैं इमिग्रेशन पहुँच जाऊँ। तो ये कनेक्शन है, अराइवल्स है, अराइवल्स, इस तरह बैगेज जहाँ पे क्लेम करना है वहीं पे आपको हर चीज़ मिलेगी। चलो इस रास्ते से चलते हैं, आसानी होगी। ऐसा दिख रहा भाई यहाँ पे अभी कुछ एयरपोर्ट,
दुबई का एयरपोर्ट उतना भी बड़ा नहीं है, मतलब जब मैं कतार गया था कतार का एयरपोर्ट मुझे बेटर लगा, आई मीन दोहा वाला यहाँ के मुकाबले। वेल चलो फटाफट इमिग्रेशन हो गया, सब कुछ हो गया, अराउंड समय हो रहा है, पता नहीं मेरा टाइम अभी तक चेंज नहीं है क्योंकि मेरे पास इंटरनेट नहीं है, तो इंडियन टाइम से 10:15 हो रहा है और यहाँ के टाइम से 1.5 घंटे कम कर लो आप तो 9 बज गए यार। यहाँ से मैंने अपना सामान उठाया, अभी भी कुछ कुछ लोगों का सामान घूम रहा था, अब साथ साथ शायद सारे लोगों ने सामान घुमा लिया, दो दिन से सोया नहीं हूँ, काफ़ी फंबल कर रहा हूँ आज यार। चलो कोई नहीं, वैसे प्रोसेस थोड़ा बता देता हूँ आपको, पूरा प्रोसेस शुरू से लेकर अंत तक। मैं यहाँ पे 6:30 बजे मेरी प्लेन लैंड हो गई थी और अभी 8:30 बज रहे हैं, 8:48 एक्चुअली। 2 घंटे लग गए मुझे इमिग्रेशन क्लियर करने में, कोविड टेस्ट करवाने में, आई मीन एवरीथिंग टेक्स 2 आवर। इमिग्रेशन में तो यार मतलब मुश्किल से 10 सेकेंड का टाइम लगा, 10 से 15 सेकेंड। उस लेडी ने मेरा पासपोर्ट लिया और उसके बाद उन्होंने मेरा वीज़ा तक नहीं मांगा, उन्होंने मेरे पासपोर्ट को सिर्फ उन्होंने स्कैन किया और स्टाम्प मार दिया और दे दिया, नो अदर क्वेश्चन आस्क। उन्होंने सिर्फ कहा मास्क हटा लो, तो मैंने मास्क हटा लिया, दैट्स इट। उसके अलावा उन्होंने कोई सवाल जवाब कुछ नहीं किया, कोई फ्लाइट टिकट, कोई होटल बुकिंग के बारे में कुछ नहीं पूछा। और सच कहूँ तो एकदम बिल्कुल 10 सेकेंड का मामला था ये, लेकिन जो लाइन थी ना काफ़ी लंबी थी, इसलिए मतलब मैं अराउंड 25 से 30 मिनट वेट कर रहा था इमिग्रेशन वाले लाइन में और अराउंड 40 से 50 मिनट कोविड टेस्ट वाली लाइन में। साथ साथ मेरा कोविड टेस्ट वगैरह भी हुआ और या कोविड टेस्ट आई थिंक देखते हैं कब तक आता है, जनरली आ जाता है 10-12 घंटे में, डिपेंड करता है। जाके मैं अभी सोऊंगा और या आज का यही प्लान है यार। बाकी कल शाम को दुबई के टाइम के 5 बजे शाम को मेरी फ़्लाइट है वापसी की एक अलग देश इराक के लिए, तो मैं जा रहा हूँ फाइनली इराक। यहाँ उन्होंने मुझसे कोई नहीं पूछा कि यहाँ कहाँ जा रहे हो, उसके बाद कहाँ जा रहे हो, इमिग्रेशन ऑफिसर वाले ने कुछ नहीं पूछा यार। दुबई का इमिग्रेशन हो तो दुबई का हो यार, कुछ पूछते ही नहीं, मतलब कुछ नहीं पूछते यार। इनफैक्ट एक बार हाय हेलो करेंगे, आपने हाय कहा, उन्होंने हाय कहा, अपना आपने पासपोर्ट दिया, स्टाम्प मारा, आप जाओ ना, क्यों आए हो, सब कुछ सवाल ही नहीं पूछना, कहाँ है होटल बुकिंग, फ्लाइट टिकट कहाँ है। 2 बार आया हूँ मैं, दोनों बार ऐसा ही हुआ है मेरे साथ। सो या काफ़ी ईजी था यहाँ का। और इमिरेट्स के बारे में बात कर रूँ तो अच्छी एयरलाइन थी, ठीक ठाक एयरलाइन थी, बजट तो नहीं थी, लेकिन फ़्लाइट मुझे जो सस्ते में मिल गया, अगर आपको 10,000 तक में इमिरेट्स की फ़्लाइट मिल जाती है तो आप ले सकते हो, क्योंकि जो नॉर्मल फ़्लाइट होती है इंडिगो वगैरह की, वो भी 7,000-6,000 की से कम की आती नहीं है आज के डेट में। इंडिगो या हो गया तो गो एयर हो गई या तो सम बजट एयरलाइन होती है, वो भी नहीं आती। 2-3 हज़ार लेके अगर आपको आना है एक अच्छी एयरलाइन में तो आप आ सकते हो, नॉट ए बैड डील। खाना पीना मिलता है, सब कुछ मतलब मिलता है, किसी चीज़ के लिए आपको पैसे देने नहीं होते, सीट वगैरह आपको, मतलब पिछली बार स्पाइस जेट में जा रहा था तो सीट सिलेक्शन के लिए पैसे मांग रहे थे, केनिया एयरवेज वाले सीट सिलेक्शन के लिए पैसे मांग रहे थे, यहाँ पे आप कहीं कोई भी सीट ले लो आपको पैसे नहीं देने होते, कुछ स्पेशल सीट को छोड़ के, बस सब कुछ ठीक है। अब चलता हूँ अपने होस्ट के घर। पिछली बार जब मैं यहाँ पर आया था तो आपको याद है कि मैं आकांक्षा से मिला था, आकांक्षा उनका नाम ही बहुत अलग है यार, आकांक्षा, ओके आकांक्षा ही हटाओ, नाम ही नहीं प्रोनाउंस कर पा रहा हूँ, वो इंडियन नेम है, तो काफ़ी डिफरेंट नेम है लाइक क्या। अच्छा सो अभी मैं उनके घर जा रहा हूँ, वो भी कल जा रही है सर्बिया, मैं भी कल जा रहा हूँ इराक, बाकी आज भर के लिए ही मिलेंगे। और बस यहाँ एक सिर्फ ट्रांजिट के लिए तौर पे यूज़ कर रहा था, क्योंकि ये बड़ा बैग था ना भाई, तो बड़ा बैग आ नहीं सकता था, तो बस ऐसे ट्रांजिट के तौर पे यूज़ कर रहा था। बाकी अब कल चलते हैं एक अलग से डेस्टिनेशन में। और कोविड के टाइम ट्रैवलिंग की बात करें तो उतना डिफ़िकल्ट नहीं है, थोड़े थोड़े आपको रूल्स फॉलो करने होंगे, आपको मास्क लगाना पड़ेगा, वो आपको जब प्लेन में रहोगे तो आपको वो वगैरह क्या कहते हैं इसे, ये फेस शील्ड लगाना पड़ेगा आपको हर टाइम, फेस शील्ड वगैरह लगा के रखो, सो भी तो फेस शील्ड लगा के सो। हाँ ट्रेन मैं प्लेन में एकदम सो कर आया, मतलब रात को नींद आ गई यार, 2 घंटे सोया होगा मेरे हिसाब से, आराम से सोया एकदम, काफ़ी अच्छी नींद आई। सुबह सुबह उठा तो पता चला कि अच्छा दुबई आ गया है, तो कैप्टन साहब ने अनाउंस किया कि दुबई आ गया, तो मैं चला आया
सब कुछ नॉर्मल रहा। वापस से दुबई में आके अच्छा लग रहा है। मेरे इस विजिट के लिए सिर्फ मुझे लगे 7500 रुपये यार। तो इसका वीज़ा बहुत महंगा है यार, ये सबसे बड़ी बेकार है। अगर 2-3 हज़ार रुपये का होता है यार, लेकिन मेरी भी गलती है। इसका जो मेरा रीज़न है कि मैंने यहाँ का जो वीज़ा लिया था वो टूरिस्ट वीज़ा लिया था, ना कि ट्रांजिट वीज़ा। उसका जो मेन रीज़न था कि मैंने ट्रांजिट वीज़ा के लिए आपको जो इंपॉर्टेंट है वो आपको होती है फ्लाइट टिकट, पहले आपको बुक करानी होती है। तो मैंने फ्लाइट टिकट मैंने खुद कहा कि मैंने कल बुक कराई है, और टूरिस्ट वीज़ा के लिए फ्लाइट टिकट की कोई ज़रूरत नहीं होती है। हालांकि यहाँ का इनका वीज़ा मैं एक एजेंट से, आपको एजेंट से ही मिलेगा इनके इसका वीज़ा, दुबई का वीज़ा। दुबई का वीज़ा के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए होता, डॉक्यूमेंट्स बता देता हूँ क्या 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 लगेगा आपको। पैन कार्ड लगता है, पासपोर्ट का लगता है, एंड पैन कार्ड पासपोर्ट एंड दैट्स इट आई गेस। या पैन कार्ड पासपोर्ट एंड वन फोटोग्राफ, और आपको पे करने होते हैं अलग अलग एजेंट के अलग अलग फ़ी होते हैं। जनरली कम से कम आपको 6-7 हज़ार रुपये कम से कम पे करने पड़ेंगे। मैंने पे किया था 7500 रुपये। और इस बार वापस से दुबई आऊँगा तो इस बार लूँगा ट्रांजिट वीज़ा, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी फ्लाइट टिकट रहेगा। अगर आपके पास ऑलरेडी फ्लाइट टिकट है और आप दुबई सिर्फ 4 दिनों के लिए आ रहे हो, 4 दिनों से कम के लिए आ रहे हो, अगर 4 दिनों से ज़्यादा के लिए आ रहे हो तो आपको टूरिस्ट वीज़ा लेके आना पड़ेगा। बट अगर आप दुबई 4 दिनों के लिए आ रहे हो तो एक 2000 रुपये का वीज़ा आता है, वो है ट्रांजिट वीज़ा। वो भी भाई बहुत महंगा है यार, बहुत महंगा है। तो वो वीज़ा आप चाहो तो ले सकते हो। बहुत बातें हो गई ऑलरेडी, काफ़ी लंबा वीडियो बन चुका है ये। काफ़ी आई होप कि इस वीडियो में आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन वगैरह मिली होगी। अगले वीडियो से और इसके आगे वाले वीडियो से आपको अच्छे से एक्सप्लोर कराऊंगा अलग अलग देश, खास करके इराक के लिए एक्साइटेड हूँ मैं काफ़ी, और आप भी होंगे आई गेस, क्योंकि इराक कंट्री ऐसी है जहाँ पर हर लोग जाना चाहता है और हर लोग वहाँ के बारे में जानना चाहता है। दुबई में फाइनली आ गया हूँ, और बाय बाय दसविदानिया। जा रहा हूँ यूक्रेन बहुत जल्द, तो दसविदानिया वगैरह बोलना सीखना पड़ेगा वापस से। काफ़ी रशियन भाई साहब से मिल रहा था, वो सब इधर वो रशियन बोल रहे थे, मुझे समझ में आ रही थी कुछ कुछ, अभी तक समझ में आ रही है यार। ऑलमोस्ट 8-9 महीने हो गए मैंने रशिया को छोड़ दिया था, तो और मुझे भी अभी तक मुझे वो थोड़ी मोड़ी आती है वहाँ की लैंग्वेज। इट्स नाइस यार, मैंने भूला नहीं, अच्छा लगा मुझे कि मैं रशियन भूला नहीं अभी तक। चलो कोई नहीं, फटाफट चलते हैं, काफ़ी लंबी चौड़ी बहस हो चुकी है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते तो फॉलो कर लेना, क्योंकि मैं काफ़ी स्टोरीज डाल रहा हूँ, तो आप फॉलो कर लो, यू नो आपकी मर्ज़ी, ज़बरदस्ती थोड़ी है। आपको करना है तो करो, नहीं करना तो नहीं करो। ये ऐसे दुबई का एयरपोर्ट है।